मार्च 2024 अपडेट के बाद अभी तक गूगल वेबसाइट्स पर मैनुअल पेनल्टी लगाकर उन्हें डी इंडेक्स कर रहा था, लेकिन अब एल्गोरिदम पेनल्टी का असर दिखाई देना शुरू कर चुका है। बहुत सारे ब्लॉग्स और बिजनेस साइट्स का ट्रैफिक तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है और इनमें ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिन पर AI कंटेंट नहीं है, लोगों ने खुद से कंटेंट लिखा है लेकिन फिर भी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लगातार कम नहीं खत्म हो रहा है। मैंने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि मैनुअल पेनल्टीज मार्च 2024 अपडेट का पार्ट नहीं है, लेकिन अब जो ट्रैफिक नीचे जा रहा है उसके पीछे गूगल की मार्च 2024 अपडेट का ही हाथ है। सो हम ऐसी वेबसाइट्स को बचाने के, ट्रैफिक के लॉस को रोकने के कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम मार्च 2024 कोर अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारा लगातार थर्ड वीडियो है इस कोर अपडेट पर। इससे पहले कोर अपडेट्स आती थी, एक भी वीडियो हमने नहीं किया। कई बार कभी कभी आप लोगों के मैसेज भी आते थे कि ये अपडेट आ चुकी है, मुझे वीडियो करना चाहिए, बट आई नेवर फेल्ट द नीड बिकॉज उनमें कोई भी एक्शनेबल पॉइंट नहीं होता था। लेकिन इस अपडेट में है एक्शनेबल पॉइंट्स। पेंगुइन के बाद आई थी बर्ट अपडेट और बर्ट के बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसमें एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, इसीलिए इस पर ज्यादा बात करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट्स अपना भला कर सके। बस एक बात का ध्यान रखिए कि गूगल ने खुद अनाउंस किया है कि अपडेट पूरी तरह से रोल आउट होने में 1 महीने तक का टाइम ले सकती है, इसीलिए जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपडेट को पूरी तरह से रोल आउट होने का वेट करना है। अगर आपको अभी डाउट है कि मेरी वेबसाइट पर एक्शन क्यों लिया गया है, मेरी वेबसाइट पर तो कंटेंट अच्छा था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो वेट करिए, 1 महीने के अंदर हो सकता है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक वापस आ जाए, बढ़ के ही आ जाए, इसलिए जल्दीबाजी में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक जिन वेबसाइट्स का ट्रैफिक डाउन हुआ है उनमें एल्गोरिदम पेनल्टी की वजह से ऐसा हो रहा है और इनके 5 मेन रीजंस है। नंबर 1 है बैकलिंक्स, नंबर 2 है यूजर एक्सपीरियंस, नंबर 3 है एक्सपायर्ड डोमेन, नंबर 4 है पुअर निश और नंबर 5 है कंटेंट, एआई या मैनुअल क्या सभी हो। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है बैकलिंक्स। गूगल का एक सिस्टम होता है स्पैम ब्रेन जो बैकलिंक्स के स्पैम को भी पकड़ता है और जब इससे कोई खराब बैकलिंक दिखाई देती है तो यह सिर्फ उस लिंक को देने वाले को सजा नहीं देता है बल्कि बैकलिंक लेने वाले को भी सजा देता है। प्लीज ध्यान में रखिए कि गूगल ये जो एल्गोरिदम निकालता है और जब ये पेनल्टी देता है तो उस पेनल्टी का मकसद आपको सही रास्ते पर लाना नहीं है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट सुधारना नहीं है, आपको SEO सिखाना नहीं है। पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट, वो आपको सजा दे रहा है। उसने ऑलरेडी पॉलिसीज बना रखी थी, अपने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करके रखे थे, आपने नहीं पढ़े या आपको किसी ने पढ़ने नहीं दिया, किसी ने आपको सिखाया नहीं, दोनों ही सिचुएशन में गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब वो आपकी वेबसाइट को पनिश कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आप अपनी गलती सुधारेंगे तुरंत आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक वापस आ जाएगा। आ सकता है, आ जाएगा कंसिस्टेंट एफर्ट से, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का कंटेंट ठीक करे या आप सही रास्ते पर आ गए इसीलिए गूगल खुश नहीं हो रहा है। ये सजा है, आपको झेलनी पड़ेगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन उनकी बैकलिंक स्ट्रेटजी काफी एग्रेसिव होती है। उन्होंने या तो लिंक्स को परचेज किया हुआ है या फिर स्पैमी वेबसाइट पर बैकलिंक्स क्रिएट की गई हैं। ऐसी वेबसाइट्स को अभी तक ट्रैफिक का लॉस देखने को मिल रहा है। सो इस तरह की वेबसाइट्स, अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है या अगर आपके SEOs ने एग्रेसिवली बैकलिंक्स बनाई हुई है तो आपको खुद को कैसे बचाना चाहिए, ध्यान से सुनना इस स्टेप को। राइट, ये डेंजरस स्टेप है, ध्यान से सुनना है। अगर आपकी वेबसाइट को कोई भी ऐसी बैकलिंक दे रही थी जिसे गूगल ने डी इंडेक्स कर दिया है या फिर जिसका ट्रैफिक अभी इस अपडेट में एकदम एब्सोल्युटली क्रैश कर गया है, उसके ऊपर एल्गोरिथम पेनल्टी लगी है, तो फिर आपको उन्हीं लिंक्स को डिसअवाउ करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ उसी बैकलिंक को डिसअवाउ करना है जिसको ब्रॉड कोर अपडेट या मार्च वाली अपडेट के बाद या तो मैनुअल पेनल्टी मिली है या फिर एल्गोरिथम पेनल्टी मिली है। मैनुअल पेनल्टी कैसे चेक करना है, साइट कॉलन उस वेबसाइट का URL आप डालें। अगर वेबसाइट दिखाई नहीं दे रही है सर्च रिजल्ट्स में तो इसका मतलब है मैनुअल पेनल्टी मिल गई है, तो ये तो पता लग गया मैनुअल पेनल्टी। अब एल्गोरिथम पेनल्टी की कैसे पता करना है, आप URL उठाएं वैसे वेबसाइट का और इसके बाद सेमरश या फिर Ahrefs पर देखें पिछले कुछ दिनों में कहीं ट्रैफिक एकदम अचानक से नीचे की तरफ डूबा तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब एल्गोरिथम पेनल्टी मिली है। इन बैकलिंक्स को सिर्फ आपको डिसअवाउ करना है, बाकी सारी बैकलिंक्स को डिसअवाउ नहीं करना है, किसी और बैकलिंक को डिसअवाउ नहीं करना है, ध्यान रखना है। नंबर 2, यूजर एक्सपीरियंस। गूगल की इस अपडेट में कंटेंट के हेल्पफुल होने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और कोई कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं है ये सिर्फ उसके कंटेंट की क्वालिटी और एक्यूरेसी से डिसाइड नहीं होता है बल्कि वो कंटेंट जिस पेज पर है उस पेज की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। कंटेंट आत्मा है ना, कंटेंट दिल है और पेज है शरीर। मान लो आपका दोस्त दिल का बहुत अच्छा है लेकिन ससुरा 10 दिन से नहाया नहीं तो गले नहीं लगा लोगे, है ना, एक बार तो पीछे धकेलोगे, नहाने के लिए बोलोगे। आपके पेज का यूजर एक्सपीरियंस 2 चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 एड्स और नंबर 2 उसकी स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट
का ट्रैफिक इस मार्च अपडेट में कम हुआ है और आपकी वेबसाइट पर आपके पेजेस पर एड चल रहे हैं, तो एक बार चेक करो कि कहीं पेज पर बहुत सारे एड्स तो नहीं है। इतना लालच भी अच्छी चीज नहीं है। अगर आप पेज पर बहुत एग्रेसिव तरीके से बहुत ज्यादा एड्स दिखा रहे हैं, कॉन्टेंट को ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है यूजर को, तो फिर उन्हें कम करिए और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ाइए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। आपकी वेबसाइट पर कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन पेज लोड होने में इतना टाइम लगा रहा है, वो कंटेंट इतनी दूर दिखाई दे रहा है यूजर को, 1.5 मिनट में पेज लोड हो रहा है, तो क्या फायदा। वेबसाइट की परफॉर्मेंस सुधारिए, होस्टिंग अपग्रेड करिए, प्लगइन को हल्का करिए, CDN यूज करिए, हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसको जाकर चाट जाइए, समझदार डिजाइनर हायर करिए, डेवलपर हायर करिए, लेकिन वेबसाइट को फास्ट बनाइए, इसका कोई दूसरा सलूशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, एक्सपायर्ड डोमेन। गूगल ने इस अपडेट में एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज नाम का पूरा पॉइंट डाला है। काफी सारे ब्लॉगर्स और SEOs पुराने एक्सपायर्ड डोमेन को परचेज करके उसकी लिंक या फिर अथॉरिटी को यूज करते थे। ये काफी पुराना तरीका है, आज का नहीं, बहुत पुराना तरीका है। या तो उसी वेबसाइट पर कोई भी अनसेंट कॉन्टेंट डालकर उसकी अथॉरिटी के भरोसे रैंक कर जाते थे और एड्स रेवेन्यू जनरेट करते थे, या फिर उस डोमेन को पूरा का पूरा उठाकर अपने डोमेन या वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देते थे और उसकी बैकलिंक्स का मजा लेते थे। इस प्रैक्टिस को गूगल अब बंद कर रहा है। एक्सपायर्ड डोमेन का इस तरह से यूज करने पर गूगल वेबसाइट को डीइंडेक्स या डीरैंक कर देगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ना हो और आपकी वेबसाइट किसी ऐसे डोमेन पर बनी हो जिस पर पहले कोई वेबसाइट हुआ करती थी और उस पर कोई पेनल्टी लगी हुई थी। गूगल आपकी वेबसाइट को डीरैंक या डाउन कर सकता है गलती से। इस समस्या का समाधान भी है। आप वे बैक मशीन को यूज करके देख सकते हैं कि कोई डोमेन सालों पहले कैसा दिखाई देता था, उसमें क्या कॉन्टेंट था, क्या लिंक था, कैसा यूजर इंटरफेस था, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, फ्री टूल है। सो चेक योर वेबसाइट। अगर वेबसाइट की पुरानी हिस्ट्री मिलती है तो गूगल सर्च कंसोल कम्युनिटी पर नई थ्रेड बनाकर अपनी समस्या बताइए। कोई ना कोई प्रोडक्ट एक्सपर्ट आपकी समस्या को गूगल एम्प्लॉइज तक पहुंचाएगा और ये जो आपकी वेबसाइट के ऊपर पेनल्टी मिली है ये दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थक तो नहीं गया अभी तक एक के बाद एक पॉइंट सुनकर? अगर ऐसा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये सब सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है अभी क्योंकि आप पहली बार शायद सुन रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार ये सारे टास्क जो है 5 मिनट में हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनीवेज वापस आते हैं ज्यादा सीरियस पार्ट पर। बाकी के 2 पॉइंट ज्यादा वेबसाइट्स पर अप्लाई हो रहे हैं फिलहाल राइट नाउ। 4th पॉइंट है पुअर निश। आपने अपने ब्लॉग के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ठीक नहीं था। फेस द बिटर ट्रुथ। अगर आपने किसी भी YouTube वीडियो में हाई CPC ज्यादा कमाई आसान निशेज वाली लिस्ट में से अपने ब्लॉग का टॉपिक उठाया था तो फिर अब पछताने के लिए देर हो चुकी है। इस तरह की लिस्ट सिर्फ आपने नहीं देखी थी, लाखों लोग देखते हैं, उनमें से हजारों लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अब एक ही गाने के लिरिक्स गूगल कितनी वेबसाइट में जाकर देखेगा, एक ही सरकारी नौकरी की पोस्ट को कितनी वेबसाइट्स पर जाकर चाटेगा, आपकी वेबसाइट पर कौन सी डायरेक्ट एप्लीकेशन की सुविधा है, कौन सा आप ट्रेनिंग मटेरियल दे रहे हैं या फिर आपकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करने से लोगों की जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई तो यूनिक एस्पेक्ट होना चाहिए ना आपके ब्लॉग पोस्ट का, आपकी वेबसाइट का। वो निश की लिस्ट देने वाले ये नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी दुकान चलती रहती है जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। जिस दिन आप लॉजिक लगा के सोचेंगे कि भाई सारे भाई लोग एक ही टॉपिक पर अगर काम करेंगे तो गूगल फोटोकॉपी वेबसाइट का करेगा क्या। फलाने एक्टर का बर्थडे कब आता है, धमाके एक्ट्रेस की हाइट कितनी है, ये सब यूजफुल कॉन्टेंट तो है नहीं। थोड़ा बुरा लग रहा होगा आपको बिकॉज आपने होस्टिंग के पैसे दिए हैं, वेबसाइट पर टाइम लगाया है और आपको लग रहा होगा कि इसमें मेरी गलती क्या है, मुझे तो बताने वाले ने धोखा दिया हो, उसने गाइड ही सही से नहीं किया है। बट पहली गलती आपने की थी, थंबनेल में नोटों की गड्डी देखकर प्ले वाला बटन आपने दबाया था। लालच बुरी बला। इस तरह के ब्लॉग्स या वेबसाइट जिसमें बहुत ही रिपीटेड टॉपिक्स पर कॉन्टेंट बनाया गया है, आसान टॉपिक्स पर कॉन्टेंट बनाया गया है, जिन पर हजारों वेबसाइट लाखों वेबसाइट्स ऑलरेडी हैं, उनको बनाने का कोई फायदा नहीं है। इनको बचाने का एक ही तरीका है कि आप उस कंटेंट को चाहे तो डिलीट कर दो, चाहे तो पड़ा रहने दो, लेकिन अच्छा कंटेंट, यूनिक कंटेंट डालना शुरू करो। यूनिक मतलब सिर्फ ऐसा नहीं जो कहीं और कोई नहीं लिख रहा, किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख रहा है। यूनिक का मतलब है कि कुछ उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसका मेथड अच्छा हो, उस पर एक्सपीरियंस बेटर मिले यूजर को। ट्रूली यूनिक कंटेंट, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। अभी चल जाओगे 1-2 महीने, 4-6 महीने, 1 साल, लेकिन उसके बाद फिर इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। बिजनेस जनरेट करना है, लाइफ सेटल करनी है, तो इस तरह की ट्रिक्स छोड़नी पड़ेगी। 5th पॉइंट है कंटेंट। अगर आपके ब्लॉग पर ChatGPT से लिखवाया हुआ कंटेंट यूज किया गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन वाला कंटेंट है, किसी और की वेबसाइट से सीधे कॉपी करके पेस्ट करके कंटेंट डाला गया है, तो फिर आपको पता है कि आप खतरों के खिलाड़ी बन रहे थे। जिन लोगों ने कभी वीडियो में बताया था बढ़ चढ़कर, चिल्ला चिल्ला कर कि देखो मेरे पास 6 लैपटॉप हैं, इनमें से किसी एक वेबसाइट पर इस तरह से कंटेंट को कॉपी किया मैंने, ChatGPT पर गया, वहां पर मैंने ChatGPT से उसी को रीराइट करने के लिए बोला, फिर ChatGPT से ही यूनिक कंटेंट बनाने के लिए बोला, और फिर ChatGPT से ही बोला कि भाई इस कंटेंट को चेक भी करो कि कहीं ये इधर उधर
वो तो नहीं है, रिपीटेड तो नहीं है, इसके बाद वेबसाइट पर जाकर झोंक दो, वही गूगल अपडेट वाली बातें भी बता रहे हैं। कब तक काटते रहेंगे आपका? जब तक आप कटवाते रहेंगे। आज बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि सर अब तो गूगल ने एसईओ खत्म कर दिया, ब्लॉगिंग खत्म कर दिया, और मैं भी आपकी बात मान भी लूं कि हाँ ब्लॉगिंग खत्म हो गई, एसईओ खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जिनके बताए रास्ते पर अभी तक चल रहे थे वो ना तो एसईओ ना ही ब्लॉगर है। किसी अच्छी वेबसाइट का कॉन्टेंट चुरा कर एडसेंस से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जुटाना अगर ब्लॉगिंग प्रो ब्लॉगिंग होता है तो फिर टेक क्रंच क्या है, एनगेजेट क्या है, 9to5 मैक क्या है, एंड्रॉइड पुलिस क्या है, ये होते हैं ब्लॉग्स। रास्ते में पलटे हुए ट्रक से मुर्गी उठाने वालों को बिजनेसमैन नहीं बोलते हैं। और अगर आप किसी रियल ब्लॉगर को फॉलो भी करते हैं, अगर वो असली ब्लॉगर हैं, तो वो अपने आप को एसईओ नहीं बोलेंगे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं। लाइक एसईओ सर्जन नहीं होते हैं, एसईओ एक्टर्स नहीं होते हैं, एसईओ ब्लॉगर नहीं होते, वैसे ही ब्लॉगर भी एसईओ नहीं होते हैं। एसईओ की जॉब का जस्ट 10-15% किसी अच्छे ब्लॉगर्स को पता होता है, क्योंकि उतना ही उनके काम से रिलेटेड है। हमें भी राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं आती है, हम एसईओस को भी राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं आती, क्योंकि हमें राइटिंग कंटेंट राइटिंग फुल टाइम नहीं करनी होती है, हम ब्लॉगर नहीं है, हम उतना अच्छा नहीं लिख सकते हैं। सो अगर आपको एसईओस के भविष्य के बारे में बात करनी है तो एसईओ से पूछिए, उनको ज्यादा बेटर पता होगा। अगर कोई एक न्यूज़पेपर जिसको 1,00,000 लोग पढ़ते हैं वो कुछ भी गलत छाप देता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार उसको न्यूज़ वापस लेने के लिए बोल सकती है, माफी मांगने को बोल सकती है, उस पर फाइन लगा सकती है। अगर कोई एक एक्टर गलत प्रोडक्ट बेचता है, अजय देवगन का आज तक मजाक बनाया जाता है कि वो विमल बेच रहा है, उसको शर्मिंदगी उस चीज के लिए झेलनी पड़ती है, बेचता भले रहे लेकिन जलील तो होते हैं, लेकिन जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं उनकी ढेले भर की जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी कुछ भी बक रहा है। सेबी ने 2023 में नसीरुद्दीन अंसारी नाम के यूट्यूब क्रिएटर पर स्टॉक मार्केट में गलत अपडेट देने के लिए, गलत सलाह देने के लिए 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस टाइप का एक्शन इस इंडस्ट्री पर भी होना चाहिए, और सिर्फ 1-2 लोगों पर लग जाए तो बाकी सबकी कमर ऐसी टूट जाएगी, और ये होगा, जरूर होगा। हजारों बच्चे अपना कीमती टाइम और पैसे, 2-3 साल का टाइम जो इस जुए में लगा रहे हैं, इनकी हाय लगेगी। एक 6.5 लाख सब्सक्राइबर वाला बोलता है अपने एक वीडियो में कि मैं एक क्लिक से 4,000 रुपए बनाना सिखा दूंगा, हर क्लिक से 4,000 रुपए यूजर बना देगा। बंदा क्लिक कर देता है वीडियो के ऊपर, अब वीडियो में क्या चल रहा है, वो दिखाएगा एक सीपीसी लिस्ट कीवर्ड्स की कि देखो ये फलाना कीवर्ड है, इसका सीपीसी कितना है, $50 से ज्यादा है, तो रुपीज में कितना हो गया, 4,000 रुपए हो गया। अब तुम इसी कीवर्ड पर ब्लॉग बनाओ और तुमको भी एक क्लिक का 4,000 रुपए देने लगेगा गूगल। भैया तो खुद बावला है या बाकियों को बावला बना रहा है? ऐसे तो अगर आईफोन प्रो मैक्स बिकता है 1.5 लाख रुपए का, तो हर आईफोन फैक्ट्री में काम करने वाले हर बंदे को 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, इतनी सैलरी मिल रही है। कानून से, भगवान से, जमाने से डर नहीं लग रहा है तो खुद का जमी भी एकदम मर चुका है? ये इतने गरीब हो जो थोड़े से यूट्यूब रेवेन्यू के चक्कर में कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो गए हो? इन लोगों को खुद से शर्म नहीं आने वाली है? इनके वीडियोज में अपने एक्सपीरियंस लिखो और इनके वीडियोज पर क्लिक करना बंद करो। बाकी लोगों को सावधान करो ताकि जो नुकसान आपका हो चुका है वो दूसरे का ना हो। रामधारी सिंह दिनकर की मेरी एक फेवरेट कविता है, उससे वीडियो खत्म कर रहा हूं। अगर मैसेज आप तक पहुंच जाए तो आगे बढ़ाइएगा। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ हैं, जो इस बात को समझते हैं कि कौन स्कैम कर रहा है, कौन फेक वीडियोस बना रहा है, फिर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी बराबर के अपराधी हैं। सो प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑन पेज एसईओ के साथ में, वीडियो एसईओ के साथ में रियल चीजें देखते हैं, और जैसे जैसे आगे आगे अगर इस अपडेट के बारे में कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको दूंगा, चाहे वो जितनी कड़वी लगे, लेकिन दूंगा, रुकेंगे नहीं हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।